हेलो एवरीवन, आज हम 8वीं कक्षा की भूगोल की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अध्याय 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन में दिए गए क्रियाकलाप को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। अध्याय हमारा 2 है यहाँ और इसका जो है 1 क्रियाकलाप उसमें दिया है कि तुमने विभिन्न संसाधनों के बारे में जाना और उन्हें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधनों की श्रेणी में रखा। उदाहरण देते हुए बताओ कि यह आधार तुमने कैसे चुना। तो इसमें पहला है कि किसी प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण लिखो, तो वो है जल, मृदा और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे किस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखा, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आगे है यहाँ कि किसी मानव निर्मित संसाधन का एक उदाहरण, उसमें है खनिज तेल और धातु। इसे किस आधार पर मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में रखा, क्योंकि इसका निर्माण मनुष्य प्राकृतिक चीज़ों को प्रयोग कर अपने उपयोग के लिए करता है, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन में आ जाएगा। आगे यहाँ नेक्स्ट दिया है कि किसी एक मानव संसाधन का उदाहरण, वो है भवन। इसे किस आधार पर मानव संसाधन माना, क्योंकि इसको मानव अपने उपयोग के लिए खुद तैयार करता है। आगे यहाँ है कि मानव सहित प्राणियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ या ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भूमि एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का उपयोग खेती, पशुचारण और सड़कों का निर्माण, खनन आदि के लिए किया जाता है। आओ भूमि संसाधन के बारे में और जानें। अब इसमें यहाँ पर भूमि संसाधन में दिया है कि अपने आसपास के क्षेत्र को देखो, वहाँ भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है, सूची बनाओ। तो भूमि का उपयोग खेती करने में होता है, चरागाह के रूप में होता है। चरागाह यानी कि जहाँ पर पशु चरने के लिए जाते हैं, वो चरागाह क्षेत्र होता है। आगे है भूमि का उपयोग यातायात, मनोरंजन, आवास, उद्योग तथा व्यवसाय आदि कार्यों में भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भूमि के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, लिखो। तो भूमि के उपयोग में जो है फसल उत्पादन में है, विभिन्न जीवों का आवास है, भूमि के अनेक बहुउद्देशीय उपयोग हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जगह भूमि उपयोग एक जैसा क्यों नहीं होता, तो कार्यों के आधार पर भूमि का उपयोग होता है, इसलिए जो है उपयोग में भिन्नता होती है। कार्यों के आधार पर ही भूमि का उपयोग करते हैं, इसलिए जो है सभी जगह भूमि का उपयोग एक जैसा नहीं होता है। क्या आपके क्षेत्र में कहीं भूमि का दुरुपयोग भी हो रहा है, पता करके सूची बनाओ। हाँ, बहुत से लोग भूमि में उद्योगों से निकले जहरीले रसायन डालकर भूमि को बंजर या उपजाऊ बना रहे हैं। आगे है इन दुरुपयोगों को रोकने के सुझाव दो। तो इसका सुझाव यही हो सकता है कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो ऐसे क्रियाकलाप ना करें जिससे भूमि प्रदूषित हो। इसी तरह नेक्स्ट दिया है कि मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। इसमें कूड़ा कचरा, सड़े पत्ते, जड़े आदि जैविक पदार्थ, ह्यूमस मिले होते हैं जो इसे उपजाऊ बनाते हैं। हम सभी इस पर निर्भर हैं क्योंकि इसमें हमारे भोजन के लिए फसलें उगती हैं। अब यहाँ क्रियाकलाप 2 दिया है और उसमें है कि क्या सभी मिट्टी एक जैसी होती है, तो एक जैसी मिट्टी नहीं होती है बच्चों। यहाँ है कि आओ यह जानने के लिए गतिविधि करते हैं। किसी तालाब, नदी, खेत, बगीचे, मैदान, सड़क, विद्यालय, पहाड़ी आदि विभिन्न स्थानों की ओर जाओ। इन अलग अलग जगहों से मिट्टी के नमूने एकत्रित करो और कम से कम 5 स्थानों से और नीचे दी गई तालिका को भरो। तो वैसे आप ये काम कर सकते हो बच्चों, है ना।
आपको किसी तालाब की, बगीचे की, मैदान की, नदी की जो है वो मिट्टी लेकर आनी है, उनको छूना है, फिर उसमें देखना है कि क्या क्या अंतर मिलता है। तो देखो इसमें है कि मिट्टी की आर्द्रता सूखी या गीली थी, या छूकर देखने पर खुरदरी थी या चीकनी रेतीली थी, या मिट्टी का रंग काला या भूरा या लाल हल्का काला था। तो इसमें देखो जब हम खेत या बगीचे से मिट्टी लेकर आएंगे तो वो मिट्टी की आर्द्रता उसकी सूखी होगी, हल्की गीली आदि मिल सकती है, तो ये हम इसमें रखेंगे। चरागाह या मैदान से लेकर आते हैं, इसको छूने कर देखते हैं तो वो चीकनी और मिट्टी, रेतीली मिट्टी जो है वो मिलती है, इनमें से ही मिट्टी जो है वो मिलेगी, या तो खुरदरी मिलेगी या चीकनी मिलेगी या फिर रेतीली मिट्टी होगी। नदी से जब हम मिट्टी लेकर आते हैं तो वो हल्की सी गीली जो है वो होती है। आगे तालाब, तालाब से लेकर आते हैं तब भी उसकी जो है मिट्टी की आर्द्रता जो है वो हल्की गीली जो है वो मिलेगी। घर, घर में जो मिट्टी होती है छूकर जब हम उसे देखते हैं तो वो हमें थोड़ी चीकनी सी मिल सकती है, खुरदरी भी हो सकती है या रेतीली हो सकती, तो उसे इसमें रखेंगे हम। अब इसी तरह आगे यहाँ है कि ये भी देखो कि मिट्टी के कणों के अलावा कुछ और भी है उसमें। हाँ, उसको जब हम छान कर देखते हैं तो उसमें खनिज, छान कर देखो तो उसमें खनिज पदार्थ व ह्यूमस नज़र आते हैं। आगे यहाँ इसने दिया है कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का फैलाव है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चट्टानी लवणता के संपर्क में आने से अलग अलग स्थानों पर पानी का स्वाद अलग अलग होता है। क्रियाकलाप 4 में दिया है कि उपयुक्त पंक्तियों को पढ़ें व नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें है समुन्द्र के जल का स्वाद कैसा होता है। समुन्द्र का जल जो है बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, नमकीन होता है, यानी नमकीन भी इतना होता है कि हम उसे पी नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ खारा भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर है कि नहर के जल का स्वाद कैसा होता है, वो मीठा होता है, हम हर रोज़ उसे जो है पीने में भी यूज करते हैं। पृथ्वी पर इतनी अधिक जल की मात्रा होते हुए भी हमें जल संकट का सामना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अलवणीय जल की मात्रा बहुत कम है, इसलिए हमें जो है वो जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीने योग्य पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यह है कि पानी को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। इसका एक तरीका है क्लोरोविकरण है, दूसरा है लाल दवाई के प्रयोग से, यानी लाल दवाई डालकर भी पीने योग्य शुद्ध पानी किया जा सकता है, एक है आरओ से और एक है फिल्टर संयंत्र से। अब यहाँ इसमें दिया है कि पीने के पानी के शुद्धिकरण का कौन सा तरीका तुम्हारे घर में अपनाया जाता है, वो आरओ से या गर्म करके या छान कर भी, ये हो सकता है। आगे की विद्यालय में पीने के पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, वो आरओ से या किसी और तरीके से भी किया जाता है आपके स्कूल में, तो आप अपने टीचर से पूछिए और यहाँ पर लिख लीजिए। अब है कि अब इस मिट्टी के ढेर पर कुछ कंकड़ पत्थर रख दो, छोटे पौधे अथवा घास लगा दो, 10 दिन बाद फिर से एक गिलास पानी डालो, अब बताओ तुमने क्या देखा। ऐसा करने से मृदा अपरदन बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी के कण बंध जाते हैं। यहाँ देखो ये बंजर भूमि दे रखी है और यहाँ पर ये घास का मैदान दे रखा है और यहाँ पर बंजर भूमि दी है। अब इसने कहा है आगे कि उपरोक्त चित्र देखकर बताओ तेज़ बारिश होने पर कौन से मैदान में मिट्टी का कटाव अधिक होगा, क्यों। तो मिट्टी का कटाव जो है वो बंजर भूमि में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें घास नहीं है जिससे मृदा के कण स्वत रूप से ही बह जाते हैं, वो अपने आप ही जो है वो बह जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है घास नहीं है। अब आगे है कि मिट्टी के कटाव से क्या क्या नुकसान है, अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। तो इसमें है कि मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे मृदा के उपजाऊ शक्ति में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने लिखा है कि पानी जीवन का आधार है, इसके बिना जीव जगत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जल का उपयोग इस प्रकार सोच समझ कर करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल के लिए तरसना नहीं पड़े। क्रियाकलाप 3 में है कि तुम्हारे घर में पानी किन किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पानी का प्रयोग हम सबसे पहले तो पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए, खाना पकाने में, कपड़े व बर्तन धोने में, पार्क में पौधों में पानी देना, पार्क में भी पौधों में पानी देते हैं।
अब यहाँ पर आगे आ जाता है क्रियाकलाप 6 कि अपने विद्यालय परिसर में और उसके आसपास कौन कौन से वृक्ष अथवा झाड़ियाँ उग रही हैं उनकी सूची बनाओ। अपने अध्यापक या बागवान की मदद से मदद भी ले सकते हैं। तो इसमें ये आपको खुद लिखना है, आपके विद्यालय परिसर में जो भी वृक्ष हैं और जो झाड़ियाँ होगी ना वो लिखनी है। मैंने तो वैसे यहाँ पर आपके लिए लिख दी है, लेकिन आपको अपने स्कूल में जो उगी हुई है अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अध्यापक से भी पता कर सकते हैं। इसमें है जैसे कि नीम है, गुड़हल, पीपल, बरगद, गुलाब, आम, अमरूद, जामुन, ये मैंने अपनी तरफ से ही लिख दी हैं। आगे है इन वृक्षों से तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सूची बनाओ। उससे हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब्जियाँ, लकड़ियाँ, औषधियाँ, ये सब मिलती हैं। आगे यह है कि इन वृक्षों ऊपर लिखी चीज़ों के अलावा तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। इसे पर्यावरण शुद्ध करते हैं, मतलब वृक्ष जो हैं पर्यावरण शुद्ध करते हैं, विभिन्न जीवों का आवास है, सौंदर्यीकरण में वृद्धि होती है, वर्षा लाने में सहायक है और सबसे खास बात मृदा अपरदन को रोकते हैं। आगे यहाँ की अवलोकन करके लिखो, ये वृक्ष अपनी पत्तियाँ किस मौसम या महीने में गिराते हैं। तो आपको आपके स्कूल में देखने की कौन कौन से वृक्ष हैं और कौन कौन से वो किस मौसम में, मौसम के अकॉर्डिंग ही देखना है कि पत्ते जो हैं वो कौन सा पेड़ कौन से मौसम में पत्तियाँ गिराता है, कौन से महीने में पत्तियाँ गिराता है। तो वैसे मोस्टली जो है पतझड़ में जो है वो पत्ते गिरते हैं, पतझड़। और पतझड़ का मौसम जो है वो सितंबर टू दिसंबर होता है, सितंबर टू दिसंबर, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते उसमें गिरते हैं। आगे है कि इन पर नई पत्तियाँ किस महीने या मौसम में आती हैं। तो नई पत्तियाँ जो है वो बसंत में आती हैं और बसंत का जो है वो फरवरी से, बसंत कार्यकाल जो है वो फरवरी से अप्रैल का होता है, फरवरी से अप्रैल। आगे अब इसी तरह से यह है कि इन पर फल कौन से महीनों या मौसम में आते हैं। फल जो है अलग अलग मौसम महीना होता है, यानी बरसात में जो है वो भी आते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीचर से पूछकर भी इनके सवाल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो वृक्ष आपके स्कूल में लगे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अवलोकन करना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर है कि अपने विद्यालयों में वृक्षों पर देखें कि उन पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं। तो उसमें जैसे मैंने लिखा कबूतर, तोता, मैना, कौआ, आप और भी इसमें लिख सकते हैं आपके विद्यालय में जो भी और पक्षी रहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आऊँगी आपके लिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।